मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के हमीदिया रोड स्थित बैंक के बगल में खुली शराब दुकान का विरोध बढ़ता ही जा रहा है। भोपाल टॉकीज इलाके में खुली इस दुकान को लेकर पहले ही रहवासी विरोध जता चुके हैं। वहीं इसकी शिकायत भोपाल कलेक्टर, आबकारी अधिकारी और निर्वाचन आयोग को भी की गई है, लेकिन अभी तक आबकारी विभाग ने दुकान के स्थानांतरण को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की है। शराब दुकान को बैंक के बगल से हटाए जाने को लेकर स्थानीय लोगों ने एक बार फिर विरोध जताया है। शराब दुकान के सामने नारेबाजी कर लोगों ने इसका विरोध किया है और कहा है कि शराब दुकान अगर नहीं हटाई गई तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। जानकारी आबकारी विभाग को, माननीय कलेक्टर महोदय को, माननीय आयुक्त को भी और माननीय थाना प्रभारी को भी दिया है। दो लगातार हम लोग उनसे इनसे कह रहे हैं कि इस तरह की कार्रवाई, यहाँ से बैंक से कई महिलाएं, कई मातृशक्ति यहाँ निकली गई, वो पैसे के लिए यहाँ लोग आते हैं, कोई छेड़छाड़ हो जाए, दुर्घटना होती है तो इसके जिम्मेदार कौन रहेगा। पास में आप देख पा रहे हैं कि बैंक है, यहाँ पे बच्चे, बुजुर्ग महिलाएं आए दिन पैसे निकालने डालने बैंक के काम से आते हैं। पास में शराब की दुकान है, तो अगर महिलाओं के साथ कोई घटना दुर्घटना होती है, छेड़छाड़ होती है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? शासन प्रशासन को यहाँ पर से जो दुकान लगी हुई है इसको हटाकर कहीं अन्य जगह व्यवस्थित की जाए।